और पैगंबर इस्लाम खुद खड़े हो जाते थे इनके इस्तकबाल के लिए, चंद कदम चल के जाते थे और सैयदे कायनात को लाकर अपने मसनद पे बिठा लेते थे। ये मकाम है, ये मकाम पैगंबर इस्लाम की नजर में है। अमीरुल मोमिनीन की नजर में क्या है, खुदावंद मुत्तहाल की नजर में वो मकामात कि जहां मासूम ने फरमाया कि ये सैयदे कायनात, ये दुख्तर पैगंबर गिरामी इस्लाम, हुज्जतुल्लाह अलल हुज्जत, हुज्जत हाय इलाही पर भी हुज्जत है, अय्यमा मासूमीन पर भी हुज्जत है। ये हस्ती इस कदर मजालिम से कर जाए, दुश्मनों ने इस कदर कोशिशें की हैं कि इहराक़ बैत अफसाना है, सैयदे कायनात पे जो मजालिम तुम बयान करते हो अफसाना है, मनगढ़ंत है, दुश्मनों ने कोशिशें की है। हमारा काम क्या है, तो हमें चाहिए कि आशूरा की तरह मनाएं। अगर हम साफ सियाह पोशी करते तो देखने वालों को इस कदर पता चलता कि कोई खास अय्याम है, यह आपकी तरफ से तवाज़ो है कि आप सियाह पोशी के लिए इंतजाम नहीं करते। ये चलो मुस्तनद तरीन दो तारीखें हैं शहादत सैयदे कायनात के सिलसिले में, यही है, एक यही एक दूसरे महीने, ये दो महीने जमादियुल अव्वल 13-14-15 मसलन, जमादियुल सानी में मसलन 2-3 दिन होंगे। ये दो मुस्तनद तरीन काबिल एतिमाद तरीन तारीखें हैं। कोशिशें की अय्यमा फुकहाए अहले बैत ने कोशिशें की कि आखिर तहकीक किया जाए कि इन दो तारीखों में से कौन सी तारीख दुरुस्त है, कि पैगंबर इस्लाम की रहलत के 75 दिन बाद शहीद हो गई या 95 दिन के बाद। एक फकीह जिसकी मां फकीहा है, एक खुद फकीह है, मां फकीहा है, मरजाए तशय्यु जमान है, उस वक्त जब उनके पास लोग आ जाते हैं, आखिर आप बता दें आपकी बात सुनी जाती है, अगर आप एक तारीख मुअय्यन करेंगे तो लोग उसी तारीख को सैयदे कायनात के लिए मातम करेंगे और आजादारी मपा करेंगे। तो उन्होंने फैसला किया मैं तहकीक करूंगा और मैं ये बता दूंगा तुम्हें कि या 75 दिन वाली रिवायत सही है या 95 दिन वाली। तहकीक शुरू कर दी, इस कदर किताबें जमा कर दी, किताब लिखने वालों ने लिखा कि अपने लाइब्रेरी में इस कदर किताबें अपने अतराफ में जमा कर दी, शब रोज मुताला करना शुरू कर दे, किताबों में खुद छुप सकते थे इस कदर किताबें। एक रात इनकी वालिदा, ये जो फकीह हस्ती है, मरजाए तकलीद है, इनकी वालिदा मुजतहिदा है, फकीहा है, औलियाए इलाही में से, इन्हें ख्वाब आया, ख्वाब में सैयदे कायनात की ज़ियारत हुई। सैयदे कायनात नाराज थे, फरमाया इनसे कि तुम्हारे बेटे से नाराज हूं मैं, क्यों आप नाराज हैं मेरे बेटे से, तुम्हारा बेटा मेरे अय्याम को कम करना चाहता है। ये जो दो अय्याम में हम मतम करते हैं, ये चाहते कि एक दिन को मुकर्रर करें। वो मां उठी, बेदार हो गई, हत्ता खबर तक नहीं उस मां को कि मेरा बेटा ऐसी तहकीक में लगा हुआ है। जाकर रात के किसी पहर दरवाजा खटखटाया, लाइब्रेरी का दरवाजा खोला, उनकी फकीर बेटे ने, उनके फकीर बेटे ने मां का इस्तकबाल किया और इस्तेफसार किया कि अम्मा किस वक्त, फरमाया सैयदे कायनात तुमसे नाराज, क्यों नाराज है, तुम सैयदे कायनात के अय्याम को कम करना चाहते हो। गिरिया किया, फरियादें की और फिर हुक्म दिया, जिस तरह पहले दो बार अय्याम फातिमिया मनाए जाते इसी तरह से मनाएं, जमादुल अव्वल में भी मनाए, जमादुल सानी में मनाए, सैयदे कायनात इसी तरह से
मकाम मुआज़्ज़म रहबरी से जब सवाल हुआ कि बिलाखिर कौन सी तारीफ दुरुस्त है, तो फरमाया तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि ये तारीफ दुरुस्त हो या वो तारीफ। खुदावन चाहता है कि हमारी माँ सईदे कायनात के फजाइल ज्यादा से ज्यादा बयान हो जाए। तो दो अय्याम मनाए, हमें क्या एक दिन मुशक्कत करने पर हम तुले हुए हैं। ये सईदे कायनात हम सियापोशी की हद तक भी अहादीस सईदे कायनात से भी इमाम बारगाहों को जीनत देने की भी कोशिश नहीं करते। सियापोशी भी हमारी इमाम बारगाहों की मसाजिद की और इश्तहारात भी और हर कसम की चीजें सईदे कायनात के मुताबिक में हमारी कोताहियां सुस्ती है। हमें एक दूसरे को दावत देनी चाहिए। लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि इमाम बारगाहों के इंतजामिया आए, कुछ इश्तहारात लगे, फिर हम देखें कहां इस तारीख हुआ है। आप एक दूसरे को हजारों मैसेजें फॉरवर्ड करते सईदे कायनात के अय्याम फातिमा के बारे में मैसेज नहीं कर सकते हो। एक दूसरे को बता दें कि यहां मस्जिद से शिरकत करें, यहां मस्जिद से शिरकत करें, यहां मस्जिद से शिरकत करें, यहां फुला आलिम आएगा, यहां फुला मौका है, यहां फुला पे आम कर दें अय्याम फातिमा, मशहूर कर दे अय्याम फातिमिया को, कम अज कम अय्याम फातिमिया के नाम पे इश्तहार लगा दें कि ये चंद तारीख अय्याम फातिमिया की है। दीवारों को भर दे हर देखने वाला कि अय्याम फातिमिया है, अय्याम फातिमिया है। आपके दुश्मनों की निगाहों में ये अय्याम घटकते हैं, ये उनके इकरार हैं कि अय्याम खत्म ही नहीं होते तुम्हारे। ये पिछले सालों में बयान आती है कि किस कदर तुम अय्याम मनाते हो आपके दुश्मनों ने, यहां लोकल दुश्मनों ने आपके ये बातें की हैं। वो चाहते हैं कि कम हो जाए। हम सब आराम से बैठे हुए हैं, सबके पास मीडिया है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास कलम है, कागज है, सब कुछ है, जबान है। अय्याम को आम कर दे, हर शख्स अपने पेज पे कम से कम लगा दें अय्याम फातिमिया है। क्यों नहीं लगाते, हर शख्स लगा दे कि अय्याम फातिमिया है। फेसबुक के पेज पे क्यों नहीं लगाते अय्याम फातिमिया है, इस तारीख तारीख पर 20-20 पेज आप चलाते हैं, 20-20 टाइमलाइन है आपके व्हाट्सएप पे, आपके पास टेलीग्राम है, हॉल ग्राम है, कितने आपके पास इतने वसाइल हैं, उनमें एक दूसरे को मैसेज करें। वो लोग काबिल कदर हैं जो इन दिनों में इस कदर सईदे कायनात के बारे में एक दूसरे को मैसेज और पैगाम भेजते हैं, मतालिब दूसरों को बयान करते हैं। हमारा उस बैठे हुए ये हमारी कोताही है। कसम ब खुदा कर अगर आपको सईदे कायनात के सामने अगर आना हुआ और आपसे पूछा कि मेरे अय्याम के लिए क्या किया तुमने, क्या किया, हमारे पास जवाब क्या है। अर्ज किया ये हदीस, फरमाया पांचवे इमाम ने कि जो हमारे मसाइब से आशना न हो जाए, करबला है ये, करबला ये आशूराए फातिमी है, ये करबलाए फातिमी है, ये करबलाए सकीफा में शहादत हजरत सईदे कायनात है, ये मादर हसनैन की शहादत है, ये कनीज खुदा की शहादत है, ये मादर अय्यमा मादर सादात की शहादत है। तहज्जुब है सादात की खामोशी, तहज्जुब है उलमा की खामोशी, तहज्जुब है तशय्यु की शियान अहले बैत की खामोशी के साथ मेहरी। इन्हें असलन जैसा कि बावर ही नहीं कि अय्याम उनसे मंसूब है। बहरहाल अगर हम मसाइल अहले बैत से आशना न हुए, ये हदीस मुबारक का पांच इमाम ने फरमाया कल कयामत के दिन वो हमारे दुश्मनों के साथ। हमें जानना चाहिए हर शख्स सईदे कायनात के मखसूसन सकीफा से लेकर रोज सकीफा पैगंबर इस्लाम की रहलत का दिन, तीसरे दिन पैगंबर इस्लाम की तदफीन हुई, चौथे दिन पैगंबर इस्लाम के घर को चढ़ाया और फिर चंद दिनों में सईदे कायनात की शहादत हुई। चंद दिनों के कितने महीने हुए जिलहज मसला ये जमातुल अव्वल या जमातुल सानी,
आप अंदाजा 28 सफर से आप कितने महीने गुजरते हैं। इन मुख्तसर दिनों की तारीख को पढ़े सैयद कायनात में क्या गुजरे, हसनैन शरीफ में फिर क्या गुजरे, आगामी रुकमिनी पर क्या गुजरे। कम अज कम हर शख्स वाजिब समझे कि हमें सैयद कायनात के मजालिम जो इन पे हुए और वो मसाइल जो इन पे ना आए, हमें इनसे आशना होना चाहिए, आगाह होना चाहिए, तब आपके दिल में सैयद कायनात की मोहब्बत बढ़ेगी, तब आपको रोना आएगा। हसन अल्लामा अमीनी ने अपनी सारी उम्र अहले बैत के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने एक मुनाजरे में इनसे सवाल हुआ कि आपको क्या हो गया है कि मुहर्रम की खातिर आप 2 महीने अदादारी करते हैं, आशुरा की खातिर 2 महीने आप अदादारी करते हैं और गिरिया फरमाते हैं। फरमाया हमने फातिमिया में धोखा खाया है, हम मुहर्रम में नहीं खाएंगे। सैयद कायनात की शहादत पहले हुई, अय्याम फातिमिया में हमने धोखा खाया, हमने आशूरा की तरफ नहीं मनाया अय्याम फातिमिया को, इसी वजह से आशूरा का हादसा रोनमा हुआ। फरमाया कि फातिमिया में हमने जो धोखा खाया है मुहर्रम में हम नहीं खाएंगे, अगर हम फातिमिया को आशूरा की तरफ मनाते तो आशूरा वबालम, आशूरा का हादसा न होता। अगर उसी दिन की सैयद कायनात पे मजालिम हुए शहीद, अगर हम क़याम करते, खड़े हो जाते, अदादारी करते, मातम करते, तो शायद आगा इमाम हसन तक भी नौबत ना आती, आगा इमाम हुसैन तक भी नौबत ना आती, करबला वजूद में ये इतने मजालिम ना होते। हजरत अल्लामा अमीनी फरमाते हैं कि मुझे ये बात पसंद थी कि मैं अल्लाह से सालों उम्र पालू, बहुत ज्यादा साल उम्र पालू, सिर्फ और बंदे आगा मेरे मुमिनी पे क्रिया करने के लिए। इस कदर मजालिम से आशना हुए हैं अल्लामा अमीनी, किसी दुनिया में आरजू करते हैं काश मुझे सारा साल उम्र मिले कि मैं सिर्फ क्रिया करूं आगा मेरे मुमिन के लिए। हमें क्या हो गए, अगर हम 40 दिन जश्न गदीर मनाते, अल्लामा अमीनी के अल्फाज हैं, अगर हम 40 दिन जश्न गदीर मनाते तो अय्याम फातिमिया रोल मना सैयद कायनात भी मजाले ना सकीफा वजूद थे ना, अय्याम फातिमिया ना होते, हमने गदीर को फरामोश किया। चंद मनकबतों पे, चंद कसीदों पे, चंद पनाहों पे गुजारा किया कदीर को, तो फिर नतीजा ये हुआ कि अय्याम फातिमिया हादिसा ये सकीफा, करबला ये सकीफा वजूद में। फरमाया यानी कदीर की शनाख्त न होने के सबब फातिमिया वजूद, फातिमिया को अजमत न देने की वजह से आशूरा हुआ, हादिसा ये आशूरा इस वजह से।